हेलो जी, वेलकम बैक आफ्टर अ टू इयर्स। आफ्टर टू इयर्स हम दो साल बाद वापस आ गए हैं यार। हमने बहुत ज्यादा ट्राई की, पैसा कहाँ से बनेगा और कहीं से नहीं बनना। तो यार हमने व्लॉग स्टार्ट किया, व्लॉग तो मतलब उसको टाइम लगता है ना, बस थोड़ा बहुत थोड़ा सा वो उसकी वजह ये है कि हमारे सारे सब्सक्राइबर यार आप लोग हो, इंडियन सारे सब्सक्राइबर हैं हमारे, और हम जब व्लॉग्स अपलोड करते हैं आप लोग इंटरेस्टेड ही नहीं होते, तो यार देखते नहीं, तो फिर यूट्यूब क्या करता है, कहते यार इसके इतने सब्सक्राइबर हैं लेकिन वॉच वगैरह नहीं आ रहे, उसके व्यूज नहीं आ रहे, तो यूट्यूब समझता है यार इसका कंटेंट अच्छा नहीं है, ये बहुत ही बकवास किस्म का बंदा है, बोर हो रहे हैं तो उनको बताने दो। तो यार चलो हमने दोबारा रिएक्शन याद आ रहे थे, अपने बहन भाई याद आ रहे थे, झूठ बोली जान दी है सिंपति लेने के लिए। हाँ जी, संपत्ति होता है, संपत्ति होता है, आप लोग बताए संपत्ति होता है ना। अच्छा, तो मैंने कहा जी के हमें मिस किया जा रहा है, बड़े बड़े ही मैसेज आ रहे थे, बड़े ही कमेंट्स आ रहे थे, चल झूठ बोली जा रही है। तो जी हम आप लोगों को सीधा सीधा मिस कर रहे थे, हमने कहा वी आर बैक। मैं इसको काफी टाइम से कह रही हूँ कि स्टार्ट करो, ना ये व्लॉगिंग कर रहा है ना ये रिएक्शन कर रहा है, तो कुछ तो करना चाहिए। फिर हमने रिएक्शन स्टार्ट कर दिया, इंशाल्लाह हम व्लॉग भी स्टार्ट करेंगे दूसरे चैनल पे, लेकिन अभी हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, अभी हम यार दोबारा रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। उसकी वजह ये है कि गुर्बत आ गई, इतना पैसा आ रहा था रिएक्शन से, तो यार हमने सोचा यार उसी को दोबारा कंटिन्यू करते हैं, हम व्लॉग का चैनल अलग से बनाएंगे। तो चलो यार आज की वीडियो बेसिकली कौन सी थी, वीडियो फेस लगाओ, हैदराबाद का कहते हैं पाकिस्तान, इंडिया हैदराबाद और पाकिस्तानी हैदराबाद, ये हमें एक वीडियो किसी ने सजेस्ट की थी आज से काफी अरसा पहले जब हम वीडियोस बनाते थे, तो यार हमारे पास हमने कमेंट्स देखे, हमने मेहनत की है आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर, हम भूले नहीं है, तो हम सोच रहे हैं आज ये देखेंगे कि जी इंडिया का हैदराबाद और उसके क्या फर्क, क्या फर्क तो मेरा खैर बहुत ज्यादा, लेकिन इसको देखते हैं यार, वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा। तो चलो यार बराबर वीडियो को देखते हैं। पंखा यार बेसिकली दूसरे रूम में हम डाल सकते, उसकी वजह ये कि वहाँ पे एसी लगा हो रहा है, वहाँ पे इधर सो रही है जो कि हमारी बेटी है, और फिर हम जो कि आप लोगों का पता कर, उनको सबको पता भी, लोग उन्होंने किसी ने किसी ने देखा है ना, वो भी रिएक्शन। तो चलो यार अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि अच्छा क्या फर्क है। ओके दोस्तों, स्वागत है आपका मोस्ट अमेजिंग क्लिप्स चैनल की एक और कंपैरिजन वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम दो ऐसे शहरों का कंपैरिजन करने वाले हैं जिनका नाम तो एक जैसा है, क्योंकि जहां एक शहर भारत में है तो वहीं दूसरा पड़ोसी देश पाकिस्तान में, और इन दोनों शहरों का नाम है हैदराबाद। वैसे चाहे आप भारत में हो या पाकिस्तान में, हैदराबाद नाम तो आपने काफी बार सुना ही होगा, लेकिन क्या आप दोनों ही शहरों से जुड़े किसी भी डिटेल के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे भारत की हाईटेक सिटी हैदराबाद और पाकिस्तान के सिंध प्रांत की दूसरी बड़ी सिटी पाकिस्तानी हैदराबाद के बीच एक ऐसा कंपैरिजन जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोनों ही शहरों की कुछ बेसिक डिटेल्स से। तो 650 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बसा और करीब 1,10,00,000 पॉपुलेशन के साथ भारत का हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी होने के साथ साथ देश के टॉप 10 शहरों में से एक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का प्रमुख केंद्र है, और समय के साथ ये शहर देश ही नहीं बल्कि दुनिया में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का हब बनता जा रहा है, इसलिए तो इसे साइबराबाद के नाम से भी जाना जाता है। वहीं 993 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला और करीब 25,00,000 पॉपुलेशन के साथ पाकिस्तानी हैदराबाद कराची के बाद सिंध प्रांत का दूसरा बड़ा शहर है, जहां टेक्सटाइल, चूड़िया, सीमेंट, साबुन, पेपर और प्लास्टिक के अलावा पाकिस्तान की कई बड़ी इंडस्ट्रीज सिंध के कराची हैदराबाद रीजन में ही मौजूद है। बात हो इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में पाकिस्तानी हैदराबाद भारतीय हैदराबाद के सामने दूर दूर तक नजर नहीं आती है, क्योंकि पाकिस्तानी हैदराबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर नेशनल हाईवे N55, M9 मोटरवे, हैदराबाद रेलवे स्टेशन, गिनती की बसें और एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है जो 2013 से फाइनेंशियल लॉसेस के कारण बंद है, और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा पाकिस्तानी हैदराबाद में प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है।
वहीं भारत की हाईटेक सिटी हैदराबाद में सड़कों, पुलों और नेशनल हाईवेज का जाल बिछा है। साथ ही राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया के बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है। इसके अलावा 67 किलोमीटर लंबा हैदराबाद मेट्रो नेटवर्क पाकिस्तान देश के टोटल मेट्रो नेटवर्क से कई गुना बड़ा है और भारतीय हैदराबाद में देश के कई बड़े शहरों से रेल और एसी बसें अवेलेबल हैं। इसके अलावा भारतीय हैदराबाद का प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर आप वीडियो में देख ही रहे हैं। चमचमाती कमर्शियल बिल्डिंग्स के साथ साथ वर्ल्ड क्लास रेजिडेंशियल फैसिलिटीज, 5-स्टार होटल्स, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग मॉल्स और रिक्रिएशनल एरियाज की भी कोई कमी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद अब बात जीडीपी की, तो दोनों ही शहरों की जीडीपी में जमीन आसमान का फर्क है। जहां पाकिस्तानी हैदराबाद की जीडीपी 13 बिलियन यूएस डॉलर के करीब है, वहीं भारतीय हैदराबाद की जीडीपी 95 बिलियन यूएस डॉलर के करीब है। एक कॉस्मोपॉलिटन शहर होने के कारण भारतीय हैदराबाद में 65% हिंदू, 30% मुस्लिम, 2.5% क्रिश्चियन और 2.5% अन्य धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं और यहाँ तेलुगु, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश जैसी भाषाएं बोली जाती हैं। वहीं पाकिस्तानी हैदराबाद में माइनॉरिटी कम्युनिटी खत्म होती जा रही है और यहाँ आज के समय में 94% मुस्लिम, 5% हिंदू और 1% दूसरे धर्मों के लोग बचे हैं। वहीं पाकिस्तानी हैदराबाद में मेजॉरिटी पॉपुलेशन उर्दू और सिंधी बोलती है। तो आशा करते हैं कि आपको दोनों ही शहरों के बारे में इस कंपैरिजन वीडियो से एक बेहतर आइडिया जरूर मिला होगा। वैसे दोनों ही देशों के बीच रिश्ते अच्छे होते तो शायद ये कंपैरिजन कुछ अलग ही होता। और अगर आप भी घर बैठे बैठे देश के अलग अलग शहरों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। इंडिया का यार ओब्वियसली हम पाकिस्तान में रहते हैं लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं है। पहले थोड़ा जब स्टार्ट हुई ना वीडियो तो हैदराबाद सच्ची में लगा। तुम्हें क्या लगा पाकिस्तान का? मुझे लगा वो दुबई का। अच्छा सही है यार, वो लिटरली वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, नाइस है और जीडीपी भी उनकी अच्छी खासी है। हमारे हैदराबाद में है ही नहीं कुछ वो जीडीपी, क्या वो मतलब कहाँ पे बनेगा भाई, कहाँ पे नहीं। तो यार उनका तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार वो उसमें बड़ी लाइटिंग शाइटिंग, वो लिटरली वो सही कह रही है कि वो इंडिया मतलब इंडिया तो बहुत ज्यादा आगे चला गया अगर पाकिस्तान के कंपेरिजन किया जाए तो। इंडिया मेरा हाल पहले पाकिस्तान में मोस्टली कहते थे यार इंडिया पाकिस्तान से 25 साल आगे, लेकिन अब जो लग रहा है मुझे लगता है 50 साल आगे चला गया हुआ है। तो मेट्रो का भी सिस्टम इतना अच्छा है, लेकिन उसमें इन भाई ने क्या किया कि वो लाहौर की मेट्रो ऐड कर दी हैदराबाद में, भाई वो भी नहीं है ये लाहौर की ऐड कर दी है एक, वो मतलब वो ठीक है चलो यार चलो पास रोड्स हैदराबाद इंडिया के, ऑब्वियसली यार उन्होंने बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना होगा, मतलब बड़ा नाइस, बहुत यार बहुत प्यारा बना हुआ है उसकी मतलब आईटी सेक्टर वहाँ पे है उनकी, बाकी मेन इवन वहाँ पे गाड़ियाँ बन रही अच्छी खासी पाकिस्तान के हैदराबाद में, इवन पाकिस्तान में गाड़ियाँ ही नहीं बन रही भाई अभी आके बनना शुरू हो गई है लेकिन उसका फायदा ही नहीं है, बहुत महंगी है हम ले नहीं सकते। मैं गरीब हूँ हम भी इसी तरह का नहीं जा पाएंगे तो काफी मजा आया वीडियो भी देख के, और अगर कभी रियलिटी में जिंदगी में मौका मिला तो फिर तो हैदराबाद जाएंगे। पहली बात है वीजा नहीं मिलने सही है, क्योंकि हाँ उन भाई ने बात की कि रिलेशन अच्छे होते तो कंपैरिजन को किसी और तरीके से देखा जा सकता। तो चलो यार वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यार वीडियो अच्छी लगेगी और उसका रिएक्शन बिल्कुल नहीं अच्छा लगा हमारा रिएक्शन, हमारा अच्छा बाकी चैनल्स के हिसाब से हमारा रिएक्शन हम थोड़ा सा नेचुरल करते हैं यार, लोग पता नहीं क्या क्या व्यूज लेने के लिए करते हैं, सही है। तो चलो यार वीडियो को लाइक कर दो, नीचे से ज्यादा कमेंट कर दो, अगर कोई हमारे से गलती हो गई तो नीचे से आपने तो यार चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन दबा दो, आप लोगों को टाइम पे नोटिफिकेशन आएगा। चलो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, तो यार बाय बाय टाटा।